वेलकम बैक टू जागो लाहौर। एक ब्रेक के बाद वापस आ गए और हमें हमारे गेस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है और फाइनली हमारे साथ वो जो पहले एक हमारे साथ में था ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ की वजह से हमें एक गेस्ट जो है प्रॉपर टाइम नहीं है, लेकिन हमने उनको दोबारा प्रॉमिस किया था कि हम उनको दोबारा बुलाएंगे और ऐसा ही हुआ। हमारे साथ मौजूद है ब्रांड मैनेजर एल्मोर कॉस्मेटिक्स बिलाल अलवी साहब और उनके साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है डॉक्टर ज़रका तैमूर जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट हैं। उनको दोनों को वेलकम करेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से हमें स्किन का ख्याल रखना है और कॉस्मेटिक्स का। जी बिल्कुल, कॉस्मेटिक्स के इन दोनों को हम पहले तो वेलकम करते हैं। जी वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू करें, हमारे साथ एक ऐसा पैकेज है कि जिसके लिए हम सुबह से बात कर रहे थे कि जी रंग फूल खुशबुएं, तो पैकेज है जी जलानी पार्क के हवाले से, तो चलेंगे बिल्कुल। हमने जो जलानी पार्क की सैर की, आपको भी सैर करवाते हैं, चलते हैं। बिल्कुल, हम आ चुके हैं जलानी पार्क में इस वक्त और आप देख सकते हैं कि अभी हम आपको दिखाएंगे, बल्कि अभी आप देख नहीं सकते कि यहाँ पर गुले दाऊदी की नहायत ही खूबसूरत 7 रोजा नुमाइश का इनेकाद किया गया है और अब हम आपको पूरी नुमाइश के अहवाल भी बताएंगे। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, और अभी ये देखें कि यहाँ पे मौसम तो खूबसूरत है, बड़ा सनी डे है और इस वक्त लोगों की तादाद, अब टाइम ऐसा है कि सुबह गुजर रही है और दोपहर की आमद आमद है, लेकिन फूलों की जो खूबसूरती है उसके साथ साथ जो आप फील ले रहे हैं वो बड़ी जबरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही, और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, और लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस वक्त हम बागों की नुमाइश में बाग में नुमाइश में मौजूद है जहाँ पे 250 किस्म के फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया और कल इस नुमाइश का इनेकाद इस तरह से हुआ कि 7 रोजा नुमाइश थी और ख्वाजा अहमद हसन ने इस नुमाइश का इनॉग्रेशन किया और उसके बाद ये आम पब्लिक के लिए जो है इसको खोल दिया गया और अभी हम आपको पूरी नुमाइश में बताएंगे कि किस किस्म के फूल है और खूबसूरती का आलम यह है कि यहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा। यस, और मजे की बात ये कि यहाँ पे ना कोई टिकट है ना कोई आपको एंट्री पास है, आप आए बगैर किसी उजर के आप दाखिल हो सकते हैं, बच्चे आए फैमिलीज आए और वैसे भी हमारे आसपास अर्मिला बड़ी फैमिलीज और बच्चे नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इनकी तरफ भी हम चलेंगे और जानेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, और वैसे हम बार बार कहते हैं कि लाहौरियों के लिए जो एंटरटेनमेंट है उसके मौके कम होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है बड़े एक जबरदस्त माहौल फराहम करती है उन तमाम फैमिलीज के लिए जो जो गार्डनिंग के शौकीन अफराद है उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपनी पसंद के फूल और इस तरह की चीज, क्योंकि मौसम सरमा में फूल खिलने के बाद जो यहाँ पर नुमाइश इसलिए लगाई जाती है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि पता चले कि किस किस्म के फूल हैं यहाँ पर और ये तमाम तो नुमाइश जो है हम पब्लिक के लिए, हम भी चलेंगे और खुद भी नुमाइश देखेंगे और आपको भी नुमाइश देखते हैं, खुशनुमा रंग के फूल और एंजॉय करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं नुमाइश में आई है कैसा लग रहा है और फ्लावर्स का शौक है वैसे? हाँ शौक है, तो कितना कौन कौन से फ्लावर्स देखे और कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये? काफी सारी देखी हैं और मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, सबके साथ आई मजा आ रहा है। तो बेटा कब से आए हुए हो और कितनी देर अभी दिल कर रहा है कि और रुके यहाँ पे? आधा घंटा हो गया है और दिल कर रहा है और रुके। अच्छा, अच्छा सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है आप हम दोनों के अलावा? ज्यादा अच्छी चीज क्या लग रही है? ये नहीं, ये हमने अपनी तारीफ खुद करने की कोशिश की, आप अपने बारे में बताइए। यहाँ पे फ्लावर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है इन्होंने और जो है बहुत अच्छी लग रही है। चलें जबरदस्त एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करें। अच्छा जी, हमारे साथ ये बच्चा भी मौजूद है, इससे बात करते हैं। अच्छा जी, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? सबसे फेस इधर करें जरा, थोड़ा सा कैमरे की तरफ। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, सीधा मैं स्कूल से यहाँ आया हूँ। तो टीचर को क्या कह के आया हूँ कि मैं स्कूल से सीधा इधर आता हूँ? टीचर को कुछ नहीं देख रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज लग क्या रही है आपको, ये फूल, ये पार्क, यहाँ पे आना, ये टाइम? मुझे तो ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। चले जी, आपने एंजॉय करना है और किसके साथ आए हो? मैंने ज्यादा पप्पू के साथ आया हूँ। जबरदस्त, चलो जी थैंक यू सो मच जी। बच्चे ने भी एंजॉय करा, से पहले हमारे एक बच्ची मौजूद थी, वो कही थी कि यहाँ पर वो आए एंजॉय करे क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी लोगों की होती है जो गार्डनिंग का जिनका बहुत शौक होता है और उनको ये नुमाइश ऐसी देखने को मिल जाए और 250 किस्म के यहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो इससे इंटरेस्टिंग बात और क्या सकती है? अच्छा जिधर भी हम जाते हैं हम देखते हैं कि अच्छा ये भी फूल की एक किस्म है, नॉर्मली हम लोगों को पता नहीं होता कि ये भी फूल की कोई किस्म है, हमारे लिए वही गुलाब मोतिया चमेली लेडोलस हम सब ये सारी चीज यही फूल है, गिने चुने फूल है जिनका हमें पता होता है यहाँ का 50। यहाँ पे आगे जब हमने देखे तो लग पता गया कि फूल असल में कहते कहते कहते। चले जी, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और आपको उनसे भी मिलवाएंगे। ले जी, अब हम घूमते घुमाते एक और जगह पे पहुंच गए हैं, फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं देखते हैं एक और फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है।
अरमला फूलों के साथ साथ लोग भी बड़े बड़े खूबसूरत मिल रहे हैं हमें। नो डाउट, बिल्कुल ऐसा ही, और लाहौर के लोग वैसे ही बड़े खूबसूरत होते हैं। चलो सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, जरा इधर कैमरे की तरफ फेस कीजिएगा ताकि पता चले कि आप लोग आए यहाँ पे। अच्छा, कब से आए हैं यहाँ पे आप? हमें 1 आवर हो गया है और हम लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम स्कूल से आ रहे हैं, पीटीएम से, मेरी बेटी की पीटीएम थी, और काफी इंजॉय कर रहे हैं और बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। अच्छा, ताकि लोग फ्रेश करें। सेकंड, हम लाहौरी नहीं है, मैं सराइकी हूँ और ये सिंधी। हाँ, अच्छा, वो अभी हमने कुछ सुना। हाँ, आपकी जी, अच्छा, वो हम आपके बारे में डिस्कस कर रहे थे। आप आप बताइए कि आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप अपनी मदर के साथ आई हैं, फैमिली के साथ, सबसे अच्छी चीज आपको क्या लग रही है? फूलों के कलर अच्छे लग रहे हैं, इनकी वैरायटी अच्छी लग रही है, क्या चीज अच्छी लग रही है? दोनों ही बहुत अच्छी है, कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये सब डिफरेंट फ्लावर्स भी बहुत अच्छे ही लगते हैं, तो दोनों ही बहुत चीजें। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन आप कह रही हैं बहुत अच्छा है। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मैं एक और कहना चाहूंगी, हम लोग इकबाल टाउन से आए हैं और बहुत सारे लोगों को इस नुमाइश का, मोस्टली लोग न्यूज नहीं सुनते, और जो फ्लेक्सेस होते हैं वो सिर्फ जेल रोड और हाफ नहर तक होते हैं कैनाल रोड से। काइंडली इसको दूसरी जगह भी हो ताकि लोग इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। बहुत कलरफुल है और ईयर में वन टाइम ही गुले दाऊदी की लगती है नुमाइश, और हर साल यहाँ होती है, तो काइंडली शहबाज शरीफ को कहेंगे वहाँ तक भी पहुँचाए, वहाँ भी आवाम रहे। ठीक है जी, इनका पैगाम ये शहबाज शरीफ तक पहुँचा रहे हैं हमें। और जी, अब हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये देखें कितना खूबसूरत चांद सितारा पाकिस्तान के झंडे की तरह का इसको शक्ल दी गई है, ग्रीन और व्हाइट, बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन लग रहा है। कुछ फ्लावर्स के नाम नहीं लिखा है इस पे जी, और फ्लावर्स के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन अभी हमने आपको जैसे बताया कि इसमें बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल हैं, और मुख्तलिफ जो डेकोरेशन है वो उसकी दाद देनी पड़ेगी पीएचए को, क्योंकि जो बहुत ही मुनफरद अंदाज में यहाँ पर इसकी डेकोरेशन की गई है तमाम तरह फ्लावर्स की। और अभी हम एक और फैमिली के साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो भी बताएंगे कि वो अपने दो बच्चों के साथ आए और कितना एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना एंजॉय कर रही हैं और कब से आएंगे? बहुत ज्यादा, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, तो अभी सबसे पहले इधर फ्लावर की नुमाइश में ही आए। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको बताया किसने, पता कैसे चला कि यहाँ पे फूलों की नुमाइश लगी है? नहीं बताया तो किसी ने भी नहीं है, तो वैसे ही बस बच्चों को लेके आउटिंग के लिए आए थे। चले जी, और आप भी इंजॉय करें, थैंक यू सो मच। और अभी हमने आपको इतने मजेदार किस्म के फ्लावर्स दिखाए हैं, मजेदार इसलिए क्योंकि कलर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं पर्सनली, और जैसे वो एक हमारे पास पहले भी फैमिली थी, उन्होंने कहा सर्दियों में ड्राई ड्राई सी होती है। अच्छा, अर्मला, कलर्स का भी अपना एक मजा होता है, जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही है। और मजे की बात यह है कि जिस तरह अभी आप बता रही थी कि फूल अरेंजमेंट और जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बिल्कुल वो बहुत खूबसूरत तरीके से। एंट्रेंस पे आपको एक चार्म नजर आता है इतने कलरफुल फ्लावर्स देख के डेकोरेशन में, तो अभी जब आप अंदर आते हैं तो आपको और भी अट्रैक्ट करती है तमाम चीजें। मेरे ख्याल से ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में कलर्स ऐड करती हैं। बिल्कुल, हमने कहा है कि आपने अपने फैमिलीज के साथ आने, और ऑब्वियसली ऐसे मौके पर जो फोटोग्राफर होते हैं वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहाँ उनको ब्यूटी कैप्चर करने का मौका मिले। और अभी हमने एक फोटोग्राफर को देखा और हमने उन्हें रोक लिया, उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस तमाम खूबसूरत सीन को अपने कैमरे के आंगन में महफूज किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि फोटोग्राफर को एक जो परफेक्ट व्यू है और कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो आपने किस तरह से आज कैप्चर किया? जी डेफिनेटली, मैं तो चूंकि यहाँ पे लोकल रहायशी करीबी रहता हूँ, तो मेरा यहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली विजिट होता है, तो बहरहाल मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ इतना इंतजाम है। मैं तो आमतौर पे यहाँ पे बर्ड फोटोग्राफी के लिए आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ आया हूँ, लास्ट टाइम कुछ इंतजाम कर रहे थे, तो इतफाकन ही मेरे जहन में आया कि मैक्रो लेंस भी लेता जाऊँ ताकि कोई बटरफ्लाईज वगैरह। अच्छा, आपकी ये चीज बड़ी खूबसूरत लगी कि आप नॉर्मली जिंदगी को कैप्चर करते हैं, जैसा फूलों में भी जिंदगी है, जानवरों परिंदों में भी जिंदगी, तो इस कलर परिंदों के कलर की बात करते हैं जिसको आप, ये रंग आपको आज कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत है, और यहाँ रेसकोर्स में तो काफी फ्रीक्वेंटली होता रहा था इस जमाने में, अब काफी अरसे के बाद शायद रिवाइज किया, तो ये बड़ा एक अच्छा, आप समझ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। इनका भी यही कहना है कि ये जो एक इवेंट है ये फोटोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि जब आप लाइफ मजे की बात ये है कि ऐसी एक्टिविटी ना सिर्फ हम, ना सिर्फ आम लोग, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रंगों को पसंद करते हैं।
لیں جی, اب صورتحال یہ تھی, میں اور ارملا چل چل کے تھک گئے تھے اور ہم نے یہ سوچا کہ بس بھائی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور پھر سفر کریں. تو جی گاڑی چلائیں آپ. اور ابھی ہم نے آپ کو اس پوری نمائش کی سیر کرائی, اب ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویو میں بھی نظر آئے گا کہ کلرز کا عالم یہ ہے کہ یلو, اورنج, ریڈ, ہر طرح کے فلاورز یہاں موجود ہیں. اور ہم نے پوری نمائش کی سیر کی اور آپ کو بھی کروائی تاکہ آپ بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے, اور ہم نے بھی چونکہ انجوائے کیا ہے اور ہم نے آپ کو اس لیے یہاں پر لے کر آئے, خود بھی آئے کہ یہاں پر ہم لاہور میں بار بار کہتے ہیں گرد و غبار ہے, بہت ساری ٹینشنز ہیں آپ کی روزمرہ لائف میں, آپ اتنے بزی ہیں. میں تو بالکل ٹینشن فری ہو گیا ہوں گاڑی میں بیٹھ کے, کبھی ہم دھوپ میں ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے, لیکن یقین کریں اتنا مزہ بھی آیا اور جو خوشبو ہمیں محسوس ہو رہی تھی پھولوں کی, گرینری کی, سبزے کی, اور جو فیل اس میں رہنے کی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی. آپ کو ہم دوبارہ کہیں گے کہ 7 دن کی نمائش ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے. فیملیز کے ساتھ آئیں, بچوں کے ساتھ آئیں, فرینڈز کے ساتھ آئیں, کیونکہ یہی وہ موقع ہیں جب آپ اپنی لائف کو اس میں لائف میں کلرز ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل, جس گاڑی میں بیٹھ کر ہم نے پورے پارک کی سیر کی, ہمیں جن نے سیر کروائی وہ ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سمیدہ قمر. سمیدہ قمر ہمارے ساتھ موجود ہے. سمیدہ, یہ بتائیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ لوگوں نے یہاں پر ارینج کروائی ہے, کیسا ریسپانس اور کیسا فیڈ بیک مل رہا ہے؟ یہ ایکٹیویٹیز ارینج ہی پبلک کے لیے کی جاتی ہیں, چونکہ فرسٹریشن والا ایک انوائرمنٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے. پبلک کا بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے, بہت اچھا ریسپانس ملتا ہے, ان کے اچھے فیڈ بیک سے ہم بوسٹ اپ ہوتے ہیں. جب ہم بوسٹ اپ ہوتے ہیں تو پھر یہ ہر سال ہم بار بار یہ ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں فلاورس کے ساتھ کریٹیویٹی بھی لے کے آئیں, ٹھیک ہے؟ تو وہ جتنا اچھا فیڈ بیک دیتے اتنا ہی ہم بھی خوش ہوتے ہیں, لیبر بھی خوش ہوتے ہیں, بوسٹ اپ ہو کے نیکسٹ ٹائم پھر پریپیئر ہو جاتے ہیں. بہتر ہوتا ہے. اچھا, ہر سال ہی ہوتی ہے تو کتنے قسم کے فلاورز آپ لوگ ایڈیشن کر رہے ہیں اس میں؟ ابھی ہم نے جو کرائزنتھیمم یہ شو ہوا ہے اس میں 250 ٹائپس کے کرائزنتھیمم انٹروڈیوس کروائے ہیں. اس میں 45 جو ہے کمپیٹیٹرز آئے تھے, ٹھیک ہے؟ پی ایچ ای تو اس میں کر رہا ہے, پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, ڈفرنٹ زون اس میں آ رہے ہیں, لیکن اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی انکلوڈ ہو رہے ہیں. اب وہ بھی اس چیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اب چونکہ ہمارے سی ایم ہیں وہ گرینری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اس کے بعد ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں, ڈی جی, اے ڈی جی, ان سب کا ایک یہ اسپیشل اس چیز پر زور ہوتا ہے کہ پبلک کے لیے یہ چیزیں ہم زیادہ سے زیادہ انہینس کریں. زبردست. تو چونکہ ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے بعد ہمارا بھی انٹرسٹ ہو جاتا ہے اور پبلک کا جو پازیٹیو ریسپانس آتا ہے اسے اور انرجی ملتی ہے. اسے اور انرجی. چلیں, زبردست. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں پورے پارک کی سیر بھی کرائی. ویلکم بیک. اور آپ نے سیر کر لی جرانی پارک کی, ہم نے آپ کو نمائش کی سیر کرا دی, میرے خیال سے آپ کو بھی مزہ ہے, ہمیں بہت مزہ آیا. جی بالکل, سائنسدان کی ہم نے بات کی تھی اور سائنسدان بھی ملے تھے ہمیں یہاں پہ, لیکن ہم نے انہیں برداشت بھی کیا اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل بھی کیا. بہرحال پھولوں اور رنگوں کی ہم نے بات کی, یہ تو جی ایک ہمارا سیشن تھا جو ہم نے دکھا دیا. اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. بالکل, ڈاکٹر زرقا کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ہم نے صبح صبح اٹھا دیا آپ کو. نہیں نہیں, ہم صبح اٹھے ہوتے ہیں. ابسولیٹلی, دیٹس پرفیکٹ. اچھا جی, ہم اسکن کی بات کریں گے. اوبویسلی موسم چینج ہو رہا ہے تو اسکن کے حوالے سے کیا کیا نئی چیزیں ہیں؟ جو ہم گلو کی بات کر رہے تھے بریک میں کہ گلو آج کل نیچرل گلو بہت چل رہا ہے, میک اپ کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں. بالکل جی, آج کل زبردست. آل دا نیو, آئی وینٹ ٹو جنیوا, یورپین اکیڈمی کی کانفرنس تھی, اس کے بعد آئی وینٹ ٹو پیرس, تو آل دا نیو تھنگس دیٹ آر کمنگ ان ایستھیٹکس آر ٹو ڈو ود دا اسکن, اور آج کل اسکن بوسٹرز کے نام سے آ رہے ہیں. سو دیئرز, کیونکہ شادیاں ہیں, پیپل وانٹ کہ امیجیٹلی ہم آئیں اور ہماری ایسی زبردست اسکن گلو کرے اور اس کے بعد پھر ہم شادی پارٹی ہر جگہ جا سکیں. تو ایک تو بڑا زبردست ٹریٹمنٹ ہے وچ از میزو بوٹاکس. اٹ از اے لٹل بٹ آف بوٹاکس آل اوور دا فیس. ایکنی اور باقی جو آپ کے اوپن پورز ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتی ہے, اسکن کو اسموتھ کر دیتا ہے امیجیٹلی ان اباؤٹ 30 منٹس, اینڈ دین یو گیٹ اے وائٹنس, جو کہ سب کو بہت شوق ہے گورا ہونے کا, آپ کے کلر کو وائٹر کی طرف لے جاتا ہے. تو ایک تو میزو بوٹاکس اسکن بوسٹر ہے. دین دیر از اندر ٹریٹمنٹ دیٹ آئی براٹ فرام جنیوا وچ از ہائیلورونک ایسڈ, بٹ یو ڈونٹ پٹ اٹ ان سائڈ دا اسکن, یو پٹ اٹ آن ٹاپ آف دا اسکن, اور اسپیشلی ایجنگ اسکن کے لیے, کیونکہ ایز یو ایج اباو 35 تو آپ کی اسکن پتلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ لگا کے اس کے اوپر دین وی ڈو سم ٹریٹمنٹ, جس طرح ابھی میزو گن کی بات ہو رہی تھی, ڈرما پین, مائکرو نیڈلنگ, اس کے بعد وہ بڑا زبردست اسکن پلمپ ہو جاتی ہے اینڈ اٹ بیکمز اے ویری ویری ہیلدی ٹیکسچر. دین دیر از آلسو لیومینس پاؤڈرز آج کل آئے ہوئے ہیں, فائر اینڈ آئس کے نام سے لوگ مارکیٹ کر رہے ہیں اس کو, تو دیٹ از آلسو ویری ویری نائس. سو مینی کوئک انسٹنٹ پروسیجرز دیٹ گیو یو گلو, دیٹ گیو یو بیٹر
स्किन. लेकिन एट द बॉटम ऑफ इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन विंटर्स इज कि आपकी स्किन का आपको मॉइस्चराइज करनी है स्किन. बहुत से लोग समझते हैं कि एक्नी क्योंकि सर्दियां हैं सेबेशियस ग्लैंड्स इतना ऑयल नहीं प्रोड्यूस करते तो एक्नी बैठ जाएगी. हालांकि इसके बरअक्स होता है क्योंकि क्योंकि आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते तो आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं दे आर पुश्ड टू प्रोड्यूस मोर ऑयल एंड यू हैव अ रिएक्शनरी सॉर्ट ऑफ एक्नी. सो आई वुड एडवाइज के हम मैं तो एक थ्री स्टेज केयर बताती हूँ लोगों को कि सर्दियों में एक तो आप नहाने से पहले कोई पेट्रोलियम जेली या बॉडी वैक्स टाइप चीज लगाएं. ठीक है. उसके बाद आप कोसे पानी से नहाएं, तेज गर्म पानी से, दिल तो करना है, नीम गर्म पानी से नहाएं और आप साबुन का इस्तेमाल बहुत कम करें. अच्छा. रगड़ने की बिल्कुल साबुन जरूरत है, शावर जेल वगैरह इस तरह से कुछ बिल्कुल. वो मैं तो कहती हूँ शैम्पू अगर आप मतलब हफ्ते में दो तीन बार नहा लेते हैं तो वो शैम्पू ही आपके लिए काफी है थोड़ी मिकदार. ठीक है. और उसके बाद फिर आप निकल के तो फिर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं. अगर आपकी स्किन ड्राई ज्यादा है तो थिकर मॉइस्चराइजर लगाएं. लेकिन ड्यूरिंग द डे आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगाते रहें बिकॉज और आप उनको अप्लाई करते रहें. एक दफा लगा लिया तो बस वो बहुत है. जिस तरह आप लोग वुजू करते हैं, जो लोग पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं, जब आप वुजू करते हैं तो उस वक्त फिर वो उतरता है. और ये याद रखिए कि हमारी स्किन को ऑयल और वाटर दोनों की जरूरत है एंड वी हैव टू गिव इट. और लेकिन जो वाटर बेस्ड लोशन है वो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली लगाने पड़ते हैं बिकॉज अगर आप खाली ऑयल बेस्ड पेट्रोलियम जेली टाइप चीज लगाएंगे तो वो बंद कर देंगे, पानी को पिकअप नहीं करने देंगे. सो मॉइस्चराइज 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 सारी रेमेडी एक दफा आपने बता दी कि ये साइकिल करें तो वो ज्यादा बेहतर. अच्छा बिलाल आपकी तरफ आएंगे, एलमोर के बारे में हम पहले तो जानना चाहेंगे इसकी प्रोडक्ट्स क्या क्या आप ऑफर करते हैं और इस ब्रांड के बारे में. इससे पहले ये बता दीजिए कि व्हाट इज एलमोर ताकि वो देखने वालों को जरा पता चले. एलमोर इज बेसिकली स्किन केयर ब्रांड जो कि यूएसए का ओरिजिनेटेड ब्रांड है एंड इट वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर द मिडल ईस्टर्न मार्केट. एंड मिडल ईस्ट में दो तरह के लोग होते हैं, एक इंडिजिनस अरब्स जो होते हैं एंड देन देयर इज बिग देसी कम्युनिटी. तो हमारी सारी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं कि फ्रॉम स्किन टाइप्स टू टेक्सचर्स टू रीजन, उस रीजन के लोगों की स्किन तक, उनकी साइकोलॉजी की, उनको किस किस्म के टेक्सचर की चीज़ें पसंद हैं, किस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, उन सारी चीज़ों को लेके हमारी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन होती हैं. सो एलमोर वॉज डिज़ाइंड एंड सो बेसिकली हमारी साउथ एशियन स्किन टाइप के लिए ही डिजाइन किया गया है ये. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर जायका और बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातों को सिलसिले को जारी रखेंगे. आपका कोई सवाल है तो आप भी कॉल करके शो का हिस्सा बन सकते हैं. मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए जागो लाहौर.